आपको चाहिए कुछ कार्ड्स, कुछ ड्राइंग्स पेपर्स और एक स्केच पेन। जब तक मैं ये लेटर्स ड्रॉ करके इन्हें कट करके निकालती हूँ, तब तक आप जल्दी जल्दी मुझे ये कमेंट करके बताइए कि हम 21 जनवरी क्या रेडी किया है, क्या सेलिब्रेट करते हैं, जो हमें अपने कार्ड पे लगाने हैं। इसका मतलब हुआ आई लव डैड। ठीक है, अब इसे हमें कट करके निकाल देना है। आप सीजर या फिर पेपर कटर का यूज़ कर सकते हैं, और हो सके तो किसी बड़े से हेल्प लीजिएगा। मैं इसे सीजर की हेल्प से कट करके बाहर निकालूंगी इस पेपर से। हेलो किड्स, तो जैसा कि आपने देखा, हमने सारे लेटर्स कट करके उस पेज से निकाल लिए हैं, और ये रहे वो लेटर्स जो हमें कुछ यूं सेट करने हैं अपने कार्ड पर। ठीक है, तो अभी हम इसे साइड में करते हैं और एक न्यू पेपर लेते हैं। अगर आपके पास कोई हार्ड और थोड़ा सा मोटा थिक पेपर हो तो आप वो पेपर यूज़ करिएगा, और उस पर इसे वहाँ वहाँ स्टिक करिएगा जहाँ आपको इसे प्लेस करना है। मैंने ये वाइट ड्राइंग पेपर लिया है जिसके ऊपर मैं ये स्टिक करूँगी कुछ यूं। इन लेटर्स को इस पेपर पे स्टिक करने के लिए हमें मास्किंग टेप चाहिए। इसे यूं कट करके सर्कल में वापस से ऐसे स्टिक करना है, आप देख रहे हो, और हर लेटर के पीछे इसे लगाकर उसकी जगह पर चिपका देना है। बहुत हार्ड मत लगाइएगा, क्योंकि फिर इसे निकालने में प्रॉब्लम होगी। ऐसा हमें सभी लेटर्स के साथ करना है। एक छोटा पीस कट करना है, उसे राउंड घुमा के बैक से वापस चिपका देना है। स्टिक वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। उसे फिर लेटर के पीछे लगा के पेपर पे सही जगह पे प्लेस कर देना है कुछ यूं। देखा आपने, बस इस दूसरे पेपर पे स्टिक कर लिए हैं। आप देख सकते हो ये गिर नहीं रहे हैं, और मैंने इसे बहुत थोड़ा सा ही स्टिक किया है ताकि ये इस पर से गिरे नहीं। ठीक है, आपको हार्डली इस पे नहीं चिपकाना है, नहीं तो इसे निकालते वक्त आपका पेपर डैमेज हो जाएगा, फट जाएगा। सो जैसा कि आपने देखा, मैंने ये चार कलर लिए हैं अपने कार्ड को पे लगाने के लिए, एक्वा ग्रीन, पर्पल, ब्लैक एंड येलो। अब मैं कलर किसी ब्रश के थ्रू नहीं करूँगी,
मैं अपने थंब का यूज़ करूँगी ताकि ये एक बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर दे। याद रहे हमें ज़्यादा डार्क कलर का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा कार्ड ख़राब लगने लगेगा। हमें ऐसे ही कलर्स यूज़ करने हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव हों, जिसके लिए मैंने ये चार कलर यहाँ चूज़ किए हैं, जो कि एक्वा ग्रीन है और पर्पल और येलो एंड ब्लैक। ब्लैक मैं लास्ट में यूज़ करूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। आप अपने फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके इस तरह का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और जब भी आप नया कलर यूज़ करो, जैसे कि मैं अभी पर्पल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इस पे येलो कलर करूँगी तो मैं अपने फिंगर्स को क्लीन कर लूँगी, तब येलो कलर्स यूज़ करूँगी। तो जब भी आप नया शेड यूज़ करो कलर का, अपने फिंगर्स को क्लीन कर लेना, फिर नया शेड यूज़ करना, नहीं तो सारे कलर एक साथ मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। अपना हैंड वॉश कर लिया है ताकि मेरे थंब से पर्पल कलर निकल जाए और अब मैं येलो यूज़ करने वाली हूँ। आपने देखा कि मैंने कलर्स का कैसे यूज़ किया। अब हमें कलर्स का ज़्यादा यूज़ है नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे ब्लैक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ब्लैक यूज़ किया तो ये हल्के शेड्स का जो प्रिंट अट्रैक्टिव लग रहा है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ करने का प्लान कैंसिल कर दिया है। तो अब हमारा कार्ड कलर हो चुका है, मगर हमें इससे कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट्स या 3 मिनट्स तो देना ही चाहिए कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, और तब हम ये लेटर्स जो हमने दूसरे पेपर के कट करके यहाँ स्टिक किए थे उसे निकालेंगे। तो किड्स, आई थिंक 2 मिनट तो बीत चुके हैं, अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया होगा, और नहीं भी हुआ होगा तो बहुत ही थोड़ा सा रह गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे जिन लेटर्स को यहाँ लगाया था हमने उसे धीरे से पुल आउट करते हैं, और ध्यान देना है हमें कि हमारा पेपर डैमेज ना हो। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं इन सभी लेटर्स को इस पेपर से बाहर निकाल रही हूँ, और मैंने इसे बहुत ही थोड़ा ही स्टिक किया था ताकि ये मेरे पेपर से हार्ड तरीके से स्टिक ना हो, नहीं तो ये मेरा पेपर डैमेज कर देता। तो अब हमने इसे बाहर निकाल दिया है। आप देखो ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, अगर ये दूर भी रखा रहे तो हर कोई इसे एक बार ज़रूर देखेगा। पेपर चाहिए जो इससे डबल साइज का हो ताकि आप उसे फोल्ड कर सको। मेरे पास एक ब्लैक पेपर है जो डबल साइज का है, तो मैंने उसे कुछ यूं फोल्ड कर लिया है ताकि मैं इसके बाहर ये ड्राइंग स्टिक कर सकूँ, और अंदर कुछ भी मतलब अपने फादर के लिए लिख के उन्हें प्रेजेंट कर सकूं। इस तरीके से ये कार्ड बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसे यहाँ पर यूं ऐसे स्टिक करें, और अगर ये इस ड्राइंग को थोड़ा थोड़ा साइड से कट कर दिया है और मेरा जो लेटर है जो मैंने लिखा है डिज़ाइन दी है वो कट नहीं हुई, उसे बचा के ही कट करना है हमें। अब मैं इस ब्लैक पेपर को जिस पे मैंने डबल फोल्ड किया है उसके बाहर वाले एरिया पे स्टिक कर दूंगी कुछ यूं। आप देख रहे हो, स्टिक करने के लिए आप या तो डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हो या तो फिर फेविक्विक यूज़ कर सकते हो।
मेरे पास डबल साइडेड टेप है तो मैं उस टेप को यूज करने जा रही हूँ। उसके लिए हमें डबल साइडेड टेप चाहिए होगा। ड्राइंग को पीछे पलट के उसके पास यूं ऐसे स्टिक करना है। डबल साइडेड टेप अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता दूं, ये इजली और बहुत ही चीप प्राइस पे अवेलेबल है। आपके पास वाले किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आप वहाँ से बाय कर सकते हो, नहीं तो फिर आप फैबिक्विक या फिर फैबिकोल से भी ये ड्राइंग उस कार्ड पर स्टिक कर सकते हो, क्योंकि टेप से चिपकाने पे ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं फेविकोल भी यूज़ करके इसे एक अच्छा लुक दे सकती हूँ। तो हमने अब टेप इस पे यूज़ कर लिया है और हमें इसे पील ऑफ करना है ऊपर वाला साइड। अब आप देख सकते हो मैंने टेप इस पे लगा दिया है और ये स्टिक भी हो रहा है। अब हमें इसे अपने जो ब्लैक हमने पेपर लिया है उस पे स्टिक करना है। तो कुछ यूं मैंने इस पर इसे स्टिक कर दिया है। आप देख सकते हो ये इस पे पूरी तरीके से स्टिक हो गया है। अब आप देख रहे हो ये कार्ड कितना खूबसूरत लग रहा है और हमारे पास यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। आप जो भी चीज़ें अपने फादर के लिए लिखना चाहते हो आप इसके अंदर लिख सकते हो, और बाहर का ये ड्राइंग बहुत ही अट्रैक्टिव है जो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा और इजी भी है। आपको सिर्फ कुछ कलर्स चाहिए, पेंसिल और आपके थंब का यूज़ करना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस पर कुछ लिखूंगी नहीं, पर जो मैंने स्टिकर्स यूज़ किए थे यहाँ पर ये ड्राइंग का इफ़ेक्ट देने के लिए, जो मैंने निकाला है उसे ही अंदर स्टिक करूँगी और उससे भी एक अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, ताकि इसका भी यूज हो जाए और कार्ड भी ब्यूटीफुल लगे। ये तैयार हो गया है हमारा फादर्स डे का कार्ड। तो आपने देखा कि कितना सिंपल था। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। मैंने इसे एक ब्लैक शीट पे स्टिक किया था और जो स्टिकर्स हमने यहाँ से निकाले थे पेपर कट्स, वो मैंने अंदर स्टिक कर दिए हैं, जो कि एक और गुड लुक दे रहे हैं। इसे मैंने फेविकोल की हेल्प से यहाँ स्टिक किया है, तो आप उसका यूज़ करके इसे यहाँ स्टिक कर सकते हो। और अगर आप और कुछ भी लिखना चाहते हो अपने फादर के लिए तो हमारे पास ये स्पेस पूरा खाली है। तो अगर आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी हो, ये क्राफ्ट फादर्स डे का कार्ड अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि हम फादर्स डे किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताना है, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हर वीक आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।